हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सुधांशु एंड वेलकम टू क्लास टेन। आज हम देखेंगे क्लास सेवन का लेसन नंबर फोर, जिसका नेम है हीट। ठीक है, आज हीट से जो चैप्टर है हमारा, इसके जो रिलेटेड पॉइंट्स थे सारे हमने यहाँ पे लिख लिए हैं, जिसको हम एक एक करके कवर करेंगे। ठीक है, जो हमारा पहला पॉइंट है वो है हीट एंड कोल्ड। अब देखो, हीट एंड कोल्ड हमें कैसे पता लगता है, हम नॉर्मली हम कैसे चेक करते हैं, जब हमारे घर में जो वाटर वगैरह रखा हुआ है अगर उसको हम हल्के से टच भी करते हैं, तो हमारे टच करने से हमें ये फील होता है कि ये हॉट है या फिर कोल्ड है ना। मतलब क्या लगेगा, जब हम किसी भी गर्म चीज़ को टच करेंगे तो हमें ये फील होता है कि ये गर्म है, और जब ठंडे को टच करेंगे तो हमें ये फील होता है कि ठंडा है। ठीक है, अब ये हॉट और कोल्ड ये डिपेंड किस पे करता है, ये आप पर डिपेंड करता है टेम्परेचर। ठीक है, ये हमारा डिपेंड करता है टेम्परेचर। अब देखो, जो टेम्परेचर है हमारा, अगर मैं हीट और कोल्ड की बात करूं, अगर हमारा टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ठीक है, टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो वो क्या होगा, हॉट होगा, गर्म होगा। अगर टेम्परेचर कम होगा तो क्या होगा, वो कोल्ड होगा, है ना। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो हॉट होगा, अगर टेम्परेचर कम होगा तो वो क्या होगा, कोल्ड होगा, है ना। चलो, इससे तो हमें ये पता लग गया टेम्परेचर हमें क्या शो करता है। टेम्परेचर से हमें ये पता लगता है कि कौन सी चीज़ गर्म है या कौन सी चीज़ ठंडी है। ठीक है, अगर हमें ये भी पता लगता है कि टेम्परेचर अगर हाई होगा तो वो चीज़ गर्म होगी, टेम्परेचर अगर लो होगा तो वो चीज़ ठंडी होगी, है ना। तो इस चीज़ से हमें पता लग जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं थर्मोमीटर। देखो, थर्मोमीटर क्या चीज़ है, थर्मोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, है ना। थर्मोमीटर से हम क्या करते हैं, टेम्परेचर मेजर करते हैं। अब देखो, इस थर्मोमीटर को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है आपका क्लिनिकल थर्मोमीटर और एक है आपका लेबोरेटरी थर्मोमीटर। अब देखो, जो क्लिनिकली थर्मोमीटर होता है, जो क्लिनिक वगैरह में यूज किया जाता है, जैसे कि डॉक्टर के पास जो थर्मोमीटर होता है वो होता है आपका क्लिनिकल थर्मोमीटर। ठीक है, वो क्लिनिकल थर्मोमीटर किस लिए यूज होता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने, है ना। नॉर्मली जो हमारी बॉडी होती है, हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो ये जो 37 डिग्री सेल्सियस है, ये हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो क्लिनिकली थर्मोमीटर किससे यूज़ किया जाता है, क्लिनिकली थर्मोमीटर जो है वो हमारी ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अगला चलते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर। आप लेबोरेटरी थर्मोमीटर नेम से पता लग रहा है किसने यूज होता है, लैब वगैरह में यूज करता है। ठीक है, जैसे हमारे पास लैब वगैरह है, उसके अंदर एक थर्मोमीटर होता है जिसकी रीडिंग, अगर रीडिंग की बात करूँ तो रीडिंग कहाँ से होगी, जैसे ही आपको कोई लेबोरेटरी थर्मोमीटर है, ये कुछ मिडल इसका ऐसा होता है आगे से और ये ऐसे कवर होता है, तो ये यहाँ से 0 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट होता है और यहाँ होता है 110 डिग्री सेल्सियस। तो ये कुछ रीडिंग्स होती है इसमें। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर। इसकी जो रीडिंग होती है वो 0 डिग्री सेल्सियस से लेके 110 डिग्री सेल्सियस तक होती है। ठीक है, किसमें होता है आपका, लेबोरेटरी थर्मोमीटर। और ये और कम भी जा सकता है, ये करीब चला जाता है -10 डिग्री सेल्सियस, यानी माइनस में भी जा सकता है, माइनस में भी 10 डिग्री सेल्सियस है, यानी ये कोल्ड वाटर को भी मेजर कर सकता है ना, और ये हॉट से हॉट वाटर को भी मेजर कर सकता है। तो एक्चुअली ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर है जिससे हम ये टेस्ट वगैरह करते हैं कि कौन सी चीज़ कितनी ठंडी है और कितनी गर्म है, ये डिपेंड करती है इसकी रेंज पे। रेंज कितनी है, -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर इससे ऊपर होगी तो ये मेजर नहीं करेगा, और इससे ज़्यादा होगी तो ये मेजर नहीं करेगा, इन दोनों के अगर बीच में होगी तो वो मेजर कर लेगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा लेबोरेटरी थर्मोमीटर। जो हमारा क्लिनिकली जो थर्मोमीटर होता है, ठीक है, उसकी अगर हम बात करें,
तो कुछ वो ऐसा होता है, और इसमें जो है आपकी यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट हो जाते हैं। और ये जो होता है आपका नॉर्मली ये 96 से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, 96 या 95 या 94 से ये स्टार्ट हो जाता है, और कहाँ तक जाता है ये 108 तक। 8 भी हो सकता है, आप तो नए नए थर्मामीटर आ रहे हैं जिसमें 110 भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है 96 से 95 से स्टार्ट होके 108 या 10 तक होता है, ठीक है। इससे हम क्या करते हैं, अपनी बॉडी का टेम्परेचर यूज करते हैं, ठीक है। और अगर फारेनहाइट में देखा जाए कि ये थर्मामीटर किसको मेजर करता है, फारेनहाइट को मेजर करता है। तो हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो फारेनहाइट होना चाहिए, होना चाहिए 98.6 डिग्री फारेनहाइट, ठीक है। ये हमारी नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर। अगर इससे जैसे ही ऊपर चला जाता है तो हमें ये फील होता है कि हमारी बॉडी में फीवर हो रखा है, ठीक है। यानी फीवर का मतलब क्या, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो हाई हो जाता है, ठीक है। चल आगे चलते हैं, ट्रांसफर ऑफ हीट। अब देखो ट्रांसफर ऑफ हीट का मतलब क्या है, जैसे कि मैं कोई कोई गर्म मटेरियल लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक चम्मच गर्म किया, ठीक है, और उस चम्मच गर्म करने के बाद मैंने ऐसे रख दिया, है ना, चम्मच का ऐसे रख दिया, तो क्या होगा, कुछ देर बाद ये ठंडा हो जाएगा, है ना। क्यों होगा ठंडा, क्योंकि ये चम्मच क्या करेगा, हीट को जो इसके अंदर हीट है वो उसको ट्रांसफर करेगा, है ना। मतलब क्या है कि जो आपका स्पून था, है ना, जो ये आपका स्पून है ये गर्म कंडीशन में है, ये गर्म कंडीशन में ये क्या करेगा, अपने चारों तरफ, अपने चारों तरफ क्या करेगा, हीट को फैला देगा, ट्रांसफर कर देगा एयर में, है ना, हीट को ट्रांसफर कर देगा एयर में। तो ये क्या कर रहा है, हीट को ट्रांसफर करता है, ठीक है। तो ये गर्म मटेरियल क्या करेगा, हीट को ट्रांसफर कर देगा और खुद क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, है ना, खुद क्या हो जाएगा, नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। तो इसी को बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ हीट, यानी वो क्या कर रहा है, अपनी बॉडी में से हीट को ट्रांसफर कर दे रहा है बाहर और अपनी खुद एक नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है, ठीक है। ऐसे हमने देखा भी है, होम वगैरह में कोई गर्म चीज होती है वो थोड़ी देर तक रहती है तो अपने आप नॉर्मल कंडीशन में आ जाती है ना। किस वजह से होती है, वो होती है आपकी ट्रांसफर ऑफ हीट की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं कंडक्शन। अब देखो कंडक्शन क्या होता है, अगर मैं किसी एल्यूमिनियम मटेरियल को, फॉर एग्जाम्पल जो हमारे पास होम में पतीला वगैरह होता है, उसको अगर हीट पे रखें, मतलब कि फायर पे रखें, तो क्या होगा, वो थोड़ी देर बाद गर्म हो जाएगा, है ना। क्यों गर्म होगा, क्योंकि वो कंडक्शन करता है, किसका कंडक्शन करता है, हीट का कंडक्शन करता है, ठीक है। तो कंडक्शन का मतलब क्या है, कि ऐसे मटेरियल्स जो हीट को कंडक्ट करते हैं, जिसके अंदर से हीट पास हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन, फिर वो यानी कंडक्शन करता है। दूसरा देखते हैं कंडक्टर एंड इंसुलेटर। अब देखो मैं बात कर रहा हूं कंडक्टर। अब देखो कंडक्टर क्या होता है, जिसमें से हीट इजीली पास हो, है ना, मतलब कि मैंने आयरन का एक कील लिया, कील को अगर मैं गर्म करो तो इजीली वो गर्म हो जाता है ना। क्यों, क्योंकि वो किससे बना हुआ, आयरन से बना हुआ है। आयरन क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है ना। यानी ऐसे मटेरियल जो हीट के गुड कंडक्टर होते हैं उसको हम कंडक्टर बोलते हैं, है ना। इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, विच मटेरियल इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट इज कॉल्ड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। तो कंडक्टर हम उसे बोलते हैं जो हीट का गुड मतलब कंडक्शन करे, ठीक है। उसके बाद है इंसुलेटर। इंसुलेटर से जस्ट इसका अपोजिट, यानी जो हीट को इजिली पास नहीं होने दे सकते अपने अंदर से, है ना। जैसे आयरन कील की बात करो तो कील जल्दी गर्म हो जाता है, यानी अपने अंदर से हीट को पास जाने देता है। लेकिन अगर मैं लकड़ी की बात करूँ तो लकड़ी अपने अंदर से हीट पास नहीं होने दे सकता। अगर जैसे कि ये प्लास्टिक है, यहाँ पे मैं अगर फायर लगाऊं तो ये यहाँ पिघल जाएगा, लेकिन हीट को ये पीछे की तरफ ट्रांसफर नहीं करेगा, कि धीरे 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 गलते गलते वो याद लगाएगा, है ना। ये क्या कर रहा है, हीट को ट्रांसफर नहीं कर रहा, यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफर नहीं कर रहा, यहाँ से गलता जाएगा, गलता जाएगा, फिर यहाँ तक पहुंचेगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है, कि
कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जिसके अंदर से हीट इजिली पास हो जाता है, कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिसके अंदर हीट पास नहीं होता, उसको हम बोलते हैं इंसुलेटर। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज। देखो सी ब्रीज का मतलब, अभी हम बात कर रहे हैं सी ब्रीज के बारे में। सी ब्रीज का मतलब क्या है, जो हमारे सरफेस से, हमारे जो लैंड से, मतलब गर्म हवा, वार्म एयर है ना, वार्म एयर एयर किसकी तरफ मूव कर रही है, सी की तरफ, समुद्र की तरफ। यानी क्या हो रहा है, वार्म एयर, ठीक है, वार्म एयर मूव कर रहे हैं किसकी तरफ मूव कर रहे हैं, सी की तरफ, समुद्र की तरफ मूव कर रहे हैं। वार्म एयर लैंड से सी की तरफ मूव कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं सी ब्रिज। ठीक है, यानी गर्म हवा किसकी तरफ जा रही है, समुद्र की तरफ जा रही है, उसको हम बोलते हैं सी ब्रिज। ठीक है, अगला क्या है हमारा, लैंड ब्रिज। अगला हम देखते हैं लैंड ब्रिज। अब देखो लैंड ब्रिज क्या होता है, सी ब्रिज में तो वार्म एयर सी की तरफ मूव रहा था, इसमें क्या होगा जस्ट अपोजिट, यहाँ क्या होगा कोल्ड एयर। ठीक है, लैंड ब्रिज में क्या होगा, कोल्ड एयर मूव होगा सी की तरफ, यानी ठंडी हवा जाएगी समुद्र की तरफ। ठीक है, उसको हम बोलते हैं लैंड ब्रिज। ठीक है, तो ये दोनों हो गए आपके सी ब्रिज और लैंड ब्रिज। नेक्स्ट करते हैं, उसके बाद आपका रेडिएशन। रेडिएशन का मतलब क्या होता है, रेडिएशन का मतलब ऐसे समझो कि जैसे कोई भी एक एनर्जी किसी दूसरे पर पड़ रही है ना, कोई भी एक एनर्जी किसी दूसरे पर पड़ रही है उसको हम रेडिएशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारी सन एनर्जी, ठीक है, सन एनर्जी क्या करता है, अपने चारों तरफ हीट फैलाता है ना, अपनी रोशनी फैलाता है, हीट फैलाता है। तो वो जो हीट है इसकी, वो हीट अगर किसी पर फॉल हो रही है, ठीक है, जैसे हमारे अर्थ पर फॉल होती है PaPH, और ये आपका SeO2, सन है, तो ये सन क्या कर रहा है, अपनी हीट को ट्रांसफर कर रहा है, यानी क्या कर रहा है, उसको रेडिएट कर रहा है ना। तो ट्रांसफर ऑफ हीट कर रहा है, वो रेडिएट कर रहा है अपने आसपास, उसको हम बोलते हैं रेडिएशन। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेडिएशन। नेक्स्ट चलते हैं, काइंड्स ऑफ क्लोथ वी वियर इन द विंटर एंड समर। ठीक, देखो इसमें देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से कपड़े हैं जो हम अलग अलग मौसम में पहनते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं समर की बात करूँ, जो गर्मी का मौसम होता है उसमें हम हल्के कपड़े पहनते हैं। क्यों पहनते हैं, क्योंकि जो समर का सीजन होता है उसके अंदर हमारे में से काफी पसीना होता है ना, तो उस पसीने को मतलब ठंडा रखने के लिए, हमारे बॉडी को ठंडा रखने के लिए हम हल्के कपड़े पहनते हैं, है ना। तो उसके इसे बोलते हैं सूती के कपड़े पहनते हैं, है ना। तो उसके पहनने से क्या होता है, उस कपड़े के अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं ताकि उसके अंदर से हवा आर पार जा सके और हमारा अंदर की जो बॉडी होती है वो ठंडी रह सके, इसलिए हम गर्मी में हल्के कपड़े पहनते हैं। और विंटर में जस्ट अपोजिट, विंटर में क्या करते हैं, हम गर्म कपड़े पहनते हैं, है ना। गर्म कपड़े पहनने से क्या होता है, हमारे जो ठंडी हवाएं जो चलती हैं वो बॉडी के अंदर न रह सके, है ना, हमें ठंड न लग सके, हमारी बॉडी को गर्म रख सके। तो ये सारे हमारे टॉपिक्स थे जो 7th क्लास चैप्टर 4 से रिलेटेड थे। ठीक है, इस सारे चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद ये जो हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट।